नहीं नहीं मिस्टर वर्मा, पेपर वर्क की डिटेल्स बाकी है जो सिर्फ दिल्ली से हो सकती है. व्हेन आई गो टू दिल्ली आई विल टैकल इट. ऑलराइट. ओह द लंदन ट्रिप वाज वेरी सक्सेसफुल. जी हाँ, इनफैक्ट हमने फैसला किया कि ओबरॉय चेन ऑफ होटल्स का एक शानदार होटल हम लंदन में भी बनाएंगे. जी हाँ. एनीवे थैंक्स फॉर कॉलिंग. बाय नाउ. सर, मिस्टर ग्रोवर फ्रॉम इंग्लैंड ऑन द लाइन. यप. हेलो मिस्टर ग्रोवर, क्या हाल है? जी मिस्टर ग्रोवर, आपको बताया ना, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है. ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 महीने और हमारा होटल तैयार होगा. जी हाँ, इनफैक्ट मैं कंस्ट्रक्शन साइट ही जा रहा हूँ, वहां पहुंचकर आपको फोन करूंगा. ऑलराइट, बाय नाउ. बाबा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट. मिसेस ब्रिगेंज़ा, आई एम सो सॉरी, आज मुझे थोड़ी देर हो रही है. मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं खा लूंगा. आई प्रॉमिस. अक्षय. हे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट. आई नीड टू टॉक टू यू. अभी नहीं शालिनी, मुझे देर हो रही है, बाद में. ओके अक्षय, इट्स इंपॉर्टेंट. ओके बताइए. जब तुम लंदन 1 महीना टूर के लिए गए थे तो यहाँ अजीब अजीब से फोन आते थे. अजीब अजीब फोन? हाँ, और सारे फोन एक ही बात के लिए थे कि अपने पति को समझा कि गोवा की जिस जगह पर वो होटल बनाने जा रहा है वो जगह ठीक नहीं है, डरावनी और भयानक है, और फौरन काम रुकवा दो. शालिनी प्लीज स्टॉप इट, मैं डर रहा हूँ. अक्षय प्लीज बी सीरियस समटाइम्स. ऑलराइट. मुझे डर लग रहा है. लिसन टू मी स्वीटहार्ट, तुम तो जानती हो मैं इतने बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स का मालिक अगर बना तो अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस से. आई नो. और मैं भी अगर इन लोगों की इन बातों में आ जाता और डर जाता तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता. एंड मोस्ट ऑफ ऑल, तुम जानती हो कामयाबी के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद लोग हमसे कितना चलते हैं. आई नो अक्षय, लेकिन पूरा गोवा उस जगह के बारे में बात करता है और डरता है उस जगह से. मगर ऐसी क्या खास बात है उस जगह में? आई डोंट नो. वो श्रापित जगह है, पोर्चुगीज के राज में वहाँ कत्लेआम हुआ था. आज भी वहाँ पर सिर्फ मौत का साया मंडराता है. मिसेस ब्रिगेंज़ा, लेडीज प्लीज, मैं वादा करता हूँ मेरे सर पर कोई साया नहीं मंडराएगा. आई एम गेटिंग लेट, मॉन्टी मेरा साइट पर इंतजार कर रहा है. आई विल सी यू लेटर. ओके बट प्लीज बी केयरफुल. आई प्रॉमिस. ओके टेक केयर. अरे भाई जल्दी करो, 6 महीने में मुझे होटल तैयार करना है, जल्दी करो यार. जी साहब. कमाल करते हैं. टाइम भी. आजा जा, मैं हूँ यार तेरा, वल्ला वल्ला. आजा आजा. आ गया. मोंटी. हाय. हाय. एक फटका मैं मारूंगा ना तुझे, एक फटका, तो जितनी भी हाय यू आउच है ना, सब ओरिजिनली तेरे पेट से बाहर आ जाएगी. क्यों 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 भाई? कमाल है यार, ये भी कोई टाइम आने का? कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ. जितने बुलाने के गाने मुझे याद थे वो तो सब मैंने गा दिए. क्या करते हैं, शालिनी की वजह से लेट हो गया. ए, भाभी का नाम मत लेना, बचने की कोशिश मत कर. चल मैंने तुझे माफ किया. अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे कि आप इतनी लेट क्यों आ रहे हैं? क्या बताओ यार, शालिनी हमारे इस कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर बहुत घबराई हुई है, कह रही है जगह श्रापित है, मनहूस है, डरावनी है, वगैरह वगैरह. यार मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है. What? चंदा मामा, मनोहर कहानियां. Can you stop it? Get serious in life. यार मजाक तू कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? मुझे हंसी नहीं आएगी. कमाल की बात करता है यार तू. हम लोग 20वीं सदी में जिंदा है, 20th century में. जमाना आगे बढ़ रहा है और हम लोग जमाने के साथ चल रहे हैं और तू भी ऐसी बातें कर रहा है. यही तो मैं कह रहा हूँ. नहीं यार, इंसान से बड़ा शैतान और कोई नहीं है मेरे भाई. अरे यही तो मैं कह रहा हूँ. यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता नहीं. लेकिन हाँ, जरूर एक भूत से जरूर मेरा पाला पड़ा है. कौन? वो मेरे सामने खड़ा है. ए मोंटी के बच्चे. अच्छा ये बता, काम कैसे चल रहा है? एक्सलेंट, फैबुलस यार. 6 महीने में हमारा होटल तैयार हो जाएगा. फैंटास्टिक मैन. यार मोंटी रिमेंबर, बचपन में हम लोग ने सपना देखा था कि हमारा 5-स्टार होटल होंगे, और आज देख हम कहां से कहां आ गए. हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सब तेरी सच्ची लगन और मेहनत का नतीजा है. मेरी? जी हाँ तेरी. मेरा मतलब है, सॉरी यार गलती हो जाती है हमारी. देख मोंटी, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद है. तू जानता है तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरे भाई जैसा है. हम बराबर के बिजनेस पार्टनर्स हैं. अगर तू आज तक मेरा साथ ना देता तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता. आई लव यू. एक्सक्यूज मी, आप कौन है? बीवेयर मैन, बीवेयर. हम तुम लोगों को वार्निंग देने आए कि अपना ये कंस्ट्रक्शन
बंद करवा दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या? नहीं तो तुम जितना कदम आगे बढ़ाएगा मौत उतना स्पीड से तुम्हारे पास आ जाएगा। एक मिनट, मतलब? मतलब साफ है मैन, जानता है सदियों से इस जगह को वीराने का आदत है, इसका पीस डिस्टर्ब मत करो मैन, डिस्टर्ब मत करो, वरना। वरना क्या? वरना रेत का कच्चा महल के माफिक तुम लोग गिर जाएगा। अक्षय, ये जो है ना मुझसे भी सीनियर लगता है। Are you devil? तुम फ्रैंक का मजाक उड़ाया, हमारे साथ जोक किया, आज तक किसी ने नहीं किया था। देखिए मिस्टर, हम तो सदियों से देखता आ रहा है, हाँ सदियों से देखता आ रहा है, पनप जो होएगा वो तुम देखेगा और तुम भुगतेगा। याद रखना, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं करवाएगा तो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। साहब साहब, बिल्डिंग के पीछे कुछ चीज निकली हुई है। कहाँ गया? अगर कोई खजाना आप तक आई है, सोने चांदी की नजर। वाओ, था तेरे की खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने तो सोचा कि सोने की अशरफियों का खजाना हाथ लगा होगा, लेकिन ये तो कबाड़ खाना निकला यार। Come on, get serious, Monty. अरे मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, सोच अगर यहाँ पे ट्रेजर हमारे हाथ लग गया तो हम लोग एक और एक फाइव स्टार होटल खोल लेंगे ना। ठीक है, ये कोई पुर्तगाली एंटीक है। ए, ये सब क्या लगा रखा? क्या लगा रखा? जाहिलों जैसी बातें कर रहे तुम लोग, क्या ये? तू क्या सोच रहा? भैया मैं ये सोच रहा कि आज सुबह शालिनी ने भी बताया कि मेरी गैर हाजिरी में कोई उसे फोन कर रहा था और इस जगह के बारे में सावधान कर रहा था। इस ब्रिगेंजा ने भी कहा कि ये जगह श्रापित है, और अभी अभी वो बूढ़ा वो भी हमें इस जगह के बारे में वार्निंग देकर भूतों की तरह गायब हो गया। एल्बर्ट उसे इन चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक है, उसे दे देंगे। अच्छा तो फिर वो म्यूजियम खोलेगा। डेविड, इन सभी चीजों को होटल के स्टोर रूम में रखवा देना। चलें? हाँ चलो, इसे घर पे ले जा। तो शुरू हो ही गया चैप्टर नंबर वन। अप्रैल 1940, आज मैंने पहली बार कुछ और ना उठाते हुए कलम उठाया और ये डायरी लिखना शुरू। जो ये डायरी पढ़ रहा है उसे इस डायरी के लिखने की वजह खुद समझ में आ जाएगी। मैं मार्को हूं। मार्को का लिखा कोई नहीं बदलता। मेरा जन्म कहां हुआ, मेरे परिवार में कौन है, इन सब बातों को लिखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर हां, मार्को को शिखर की बुलंदियां पसंद है, समुंदर की गहराइयों से लगाव है, इंसानियत से मुझे नफरत है, शैतानियत ही मेरी फितरत है, इंद्रधनुष के सातों रंगों से भी मुझे नफरत है,
क्योंकि उसमें मेरा मन पसंद रंग नहीं है, काला रंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो मुझे काली हैट, काला बेल्ट और काला नकाब पसंद है। तुम्हें भी ये सब पसंद आएगा, पीछे देखो। काला रंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो मुझे काली हैट, काला बेल्ट और काला नकाब पसंद है। चैप्टर नंबर वन। ये मेरा घर है। रात के 8:30 बजे मैंने अपने घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा। ये कौन सी जगह है? मैं यहां क्या कर रहा हूं? हे भगवान, ये तो वही पार्टी है, वही मकान है जिसकी तस्वीर इस डायरी में छपी है, लेकिन मैं यहां कैसे आया, कैसे पहुंचा मैं यहां पर? मार्को, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। मार्को, तो क्या यही वो मार्को है जिसकी जिसकी डायरी में पढ़ रहा हूं? पागल हो जाऊंगा, लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे? मैं सुन सकता हूं, देख सकता हूं। व्हाई आर दे रिएक्टिंग? एक्सक्यूज मी, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? एक्सक्यूज मी गुड सर, कैन यू सी मी, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? देखिए भाई साहब, आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करेंगे मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां कैसे पहुंचा? आप कौन? क्या कोई मुझे नहीं बता सकता मैं यहां कैसे पहुंचा? ये हमारा वफादार नौकरानी मिसेस डी कॉस्टा है, 15 साल से हमारा वास्ते काम करता है। यू नो मैन, इसका एक ही बुरा आदत, ये छुप छुप कर हमारा बात सुनता है, और आज इसका वफादारी के लिए जानता है हमें से क्या देगा। मेरा विश्वास कीजिए, वह अंदर एक औरत का खून किया गया है, सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा, वहां यूं नहीं विश्वास करते आप तो मेरा, आप तो मेरी बात सुनिए। आप मुझे देख सकती है, मुझे सुन सकती है? हम तुमको वार्न किया था मैन कि उस वीरान जगह की पीस को डिस्टर्ब नहीं करने का, पर तुम माना नहीं। नाउ यू विल रिपेंट। कौन हो तुम? तुम किसने आए थे? पीटर कैंडियर काम तुम लोग पानी का। Oh God, you killed me. Pakal chok, pakal chok, pakal chok. अक्षय कहाँ थे तुम? बाय द वे इनसे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड सोनम। हाय, आई एम सोनम, सोनम बख्शी। आपको मैंने पहले कहीं देखा है? देखा है एक फोटोग्राफ में, हूबहू आपकी शक्ल। फोटोग्राफ में? वो एक 1940 की फोटोग्राफ थी ना? Yes,
वो मैं नहीं, मेरी नानी थी, वो हूबहू मेरी तरह लगती थी, यही गोवा में रहती थी। चलो मैं तुम्हें फूल दिखाती हूँ। ग्रेट। Hi, I'm Monty. सोनम बख्शी। लगता है कि आप हमारे होटल में नई गेस्ट आई। जी हाँ, मैं नहीं, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल शालिनी भाभी आपके बारे में इतनी तारीफ कर चुकी है, इतनी तारीफ कर चुकी है कि सुनने के लायक और कुछ रह ही नहीं गया है। Really? जी हाँ, आपके बारे में बहुत तारीफ करती है वो। अच्छा? हाँ, बैठिए ना। थैंक यू, वैसे मैं बैठने वाला। जी तो क्या तारीफ कर रही थी वो? वो कहती है कि आप बहुत जॉली हैं, हंसते हंसाते रहते हैं। सोनम, यही हमारी कोशिश रही है कि हमारे गेस्ट यहाँ से घर की फीलिंग्स लेकर अपने घर पर जाएं। मिसेस ब्रिगेंजा, हाय। हेलो मोंटी सन, हाउ आर यू? हाउ डू आई लुक? बहुत अच्छे। थैंक यू। मैं तो इंट्रोडक्शन करवाना भूल ही गया। सोनम, ये है मैं जानती हूँ इन्हें, शालिनी जी ने बताया इनके बारे में। हेलो डॉटर। हेलो, आप ये अक्षय के लिए लेके जा रही हैं? यस, ये हम अपना अक्षय बाबा के लिए लेके जाते हैं। देख लिया, देख लिया, सिर्फ अक्षय, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मिसेस ब्रिगेंजा सारा काम सिर्फ अक्षय के लिए करती है, सिर्फ अक्षय के लिए। लगता है आप अक्षय को बहुत प्यार करती है। लगता है? अरे हमारा प्यार का तो कोई लिमिट नहीं है। तुमको मालूम है हमारा सन मुंबई में रहता है, लेकिन हम अक्षय बाबा के साथ रहता है। जब वो छोटा था उसको पाला पोसा बड़ा किया, प्यार काहे को नहीं करेगा। सॉरी मिसेस ब्रिगेंजा, आप तो बुरा मान गई। अच्छा अभी हम चलता है, हमारा अक्षय बाबा भूखा होगा। मोंटी सन। यस मिसेस ब्रिगेंजा। तुम हमारा बात के बारे में सोचा? बात? कैसी बात? देखो बनने का नहीं, हम तुमको कितनी बारी बोला अभी तुमको भी शादी करना चाहिए। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली मिसेस ब्रिगेंजा। क्या ख्याल है आपका जी, राय थी। कहीं मिसेस ब्रिगेंजा को मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी ना? जिस तरह मार्को ने अपनी वफादार नौकरानी को मार दिया, उसी तरह मैंने आपको मारा है मिसेस ब्रिगेंजा। क्योंकि मार्को का लिखा हुआ कोई नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता।